तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार आपको पता होगा कि भाई PUBG मोबाइल जो है बैन हुए को ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए थे, आई थिंक उससे ज़्यादा ही हो गए थे। तो उसके बाद जो है मैंने बिल्कुल भी अपनी ग्लोबल आईडी नहीं खोली थी, मैंने एक कोरियन आईडी बना ली थी जिससे जो है मैं गेम प्ले डालता था, लेकिन ये ग्लोबल आईडी मैंने उसके बाद नहीं खोली। इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं वो सब इसी के अंदर रह गया, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं खोली थी। एंड फाइनली जब कल मेरे को अर्ली एक्सेस मिला एंड मैंने अपना डाटा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जो है मैंने ये अपनी आईडी खोली, और इतने महीनों बाद आईडी खोलने के बाद यार मैंने हर एक चीज़ चेक करी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ मेरी आईडी की जो कि इसके अंदर हैं, और वो बहुत कम लोगों के पास भी हैं। हालांकि कुछ चीज़ें मेरे को वापस नहीं मिली हैं, और कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी बहुत सारे लोगों को जो है अर्ली एक्सेस नहीं मिला, तो वो सोच रहे होंगे कि हमको भी मिल जाए क्योंकि अभी तो प्ले स्टोर पर आया नहीं है। आज 18 तारीख हो गई है, मेरे को लगा कि शायद लॉन्च हो जाएगा मेरी इस वीडियो बनाने तक, लेकिन आई थिंक अभी तक प्ले स्टोर पर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद कल आ जाए या इसी हफ्ते के अंदर आ जाए, देखना होगा, क्योंकि अर्ली एक्सेस आ चुका है। गेम के अंदर क्या चीज़ है वो लोगों को दिख चुका है। और एक चीज़ और कहें, बहुत सारे लोगों ने अर्ली एक्सेस को डाउनलोड कर लिया है, तो अभी बहुत सारे लोग इसको चला भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्ले स्टोर पर कब आता है। फिलहाल आज आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं अपनी इतनी पुरानी आईडी की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। आपने दूसरों के चैनल पर मेरी वीडियोस जरूर देखी होंगी, लेकिन आज खुद मैं अपने चैनल पर आपको अनबॉक्स करूंगा मेरी इस आईडी का। देखो मैंने ये आईडी बनाई थी मेरी एक आईडी बैन होने के बाद, उसका सीजन 4 में वो आईडी के ऊपर कॉन्करर था लेकिन वो बैन हुई थी। एंड वो बैन के कारण जो है वो आई थिंक बैन हुई थी, उस समय गाइस एक ग्राफिक्स को एनहेंस करने वाला एक एप्लीकेशन आता था, वो शायद मैंने यूज़ कर लिया था एंड उसके कारण जो है आईडी पे बैन लग गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तो हैक किया था तो उसके लिए हुआ। अब हैक होता है तो आपको पता होगा कि भाई जो टीयर है वो रिस्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर वैसा कुछ नहीं था। खैर उसके बाद जो है पबजी मोबाइल वालों से मेरी बात हुई और उन्होंने वापस जो है पबजी को अनबैन कर दिया था, लेकिन फिर क्योंकि मैंने ये वाली आईडी बना ली थी तो मैंने वो वाली आईडी को छेड़ा भी नहीं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली अपने क्लैन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने कभी भी बात नहीं करी, अपनी इन्वेंट्री दिखाऊंगा और मेरे साथ मेरे पास क्या क्या स्किन है, मेरे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, क्लैन के अंदर कितने लोग हैं, पॉपुलैरिटी दिखाऊंगा, कार्ड्स क्या हैं मेरे पास, गन स्किन्स, कार स्किन्स, इन्वेंट्री, सब कुछ दिखाऊंगा। अब कुछ लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि भाई डाटा ट्रांसफर कैसा होता है, एक आपको सिंपल सा बताते हो। आपके पास जब प्ले स्टोर पर आ जाएगा आपको सेटिंग पर जाना है, एंड सेटिंग पर जाने के बाद आपको जो ये टॉप पर दिखा रहा है लिंक्ड, अब इसके ऊपर इसकी जगह आएगा वहाँ पे डाटा ट्रांसफर का, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे जो है आपको आपका डाटा ट्रांसफर पे टैप करना है, आपका डाटा सारा ट्रांसफर हो जाएगा और पिछली आईडी से डिलीट होकर इसमें आ जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है, मतलब ये सिंपल सी चीज़ है जो कि जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपकी आईडी में आ जाएगा हर एक स्किन। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे कि आपने जो है हाल ही में मैकलेरन ले रखी है तो वो आई थिंक बहुत सारे लोगों को आईडी में नहीं मिली है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिली है जो उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदी थी उनको छोड़ के आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यार आपको एक चीज़ पता होगी, पॉपुलैरिटी जो पुरानी आईडी में थी वो आपको इस आईडी में नहीं मिलेगी, आपका जो क्लैन पिछली आईडी में था वो इसमें नहीं मिलेगा, आपके जो फ्रेंड्स थे वो आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने सुबह ही जाकर क्लैन बनाया, नाम ऑलरेडी टेकन था इसलिए मैंने क्लैन का नाम जो है ब्लैक बॉयज रख दिया, बहुत पुराना क्लैन है, बहुत बंदे थे, कम से कम इस क्लैन के अंदर गाइस 15 से 20 से ज़्यादा भी यूट्यूबर थे, और सिर्फ यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद जो ऑलमोस्ट फुली था अपना क्लैन। फिलहाल जो है क्योंकि मैंने ये अभी अभी बनाया तो अभी के टाइम पे जो इसमें पहला बंदा जिसको मैंने इनवाइट करा वो मेरा खुद का ही भाई है, देन उसके बाद लेजेंड एक्स था और अभी मिर्मे है, बाकी के बंदे धीरे आ जाएंगे जब जो है प्ले स्टोर पर आ जाएगा। फिलहाल ये तुम्हारे भाई का क्लैन था, पुराना भी कुछ ऐसा ही था लेकिन वो खचाखच जो है भरा पड़ा था, आपको मैं दिखाया भी होगा किसी वीडियो में। अब आपको दिखाता हूँ इस आईडी की सबसे बढ़िया चीज़, वो है भाई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ये नहीं बोल रहा कि बहुत पैसा लगा रहा है, ना ही मैं कॉस्ट्यूम्स की बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरे को जो है ये वाला सामान बहुत बढ़िया लगता है। इसमें जो मैंने बहुत मतलब मेहनत से यार ये रूम कार्ड्स बचा के रखे हैं, मेरे को कुछ इवेंट्स में मिले थे, कुछ ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप जान पाओगे, कुछ 5 के करीबन आईडी कार्ड्स हैं। मैंने कभी भी जो है अपना नाम रिनेम करने के बाद उसके बाद कभी भी आईडी कार्ड यूज़ नहीं किया, और ये दो ये आप इसको देख सकते हैं, क्रेट ओपनिंग में काम आते हैं, मटेरियल जिसको बोलते हैं। एंड हाँ एक और चीज़ है, कार्ड मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रखे हैं क्योंकि यार जो है पबजी वाले भेजते रहते थे, तो आपके पास जो है मेरे पास अनलिमिटेड टाइप के कार्ड बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेंगे, 7-7 दिन के 6 कार्ड है आई थिंक, और ये भी अनलिमिटेड वाले हैं, यहाँ पर भी मिलेगा और सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ये देखो ऊपर भी 7 दिन वाले डबल मिलेंगे, तो ऐसे कर करके जो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आई डोंट थिंक कि पता नहीं क्या है, बट हाँ आईडी कार्ड और ये देखो डायमंड वायमंड बहुत कुछ है मेरे पास। बाकी जो कॉस्ट्यूम्स है वो मेरे को इतना पसंद नहीं है, लेकिन गन स्किन्स मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती हैं, और एक एकेएम जो मैं हमेशा यूज़ करता था वो ये वाली एकेएम थी। इसके अलावा जो है गन स्किन्स तो आपको पता ही होंगी या नॉर्मली होता है सबके आईडीज़ के अंदर, लेकिन एक चीज़ जिस पर मैंने पैसा लगाया था भाई वो थी एक कार की स्किन, ये वाली। और ये मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने ये क्रेट ओपनिंग करके ये वाली कार की स्किन खोली थी ना, अगले दिन जो है पबजी बैन हो गया था, तो ये जो है मेरे को काफ़ी पसंद थी, मैंने इसके साथ एक गेम प्ले भी डाला था, क्रेट ओपनिंग भी डाली थी, लेकिन अगले दिन पबजी बैन हो गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन
ये जो कार की स्किन है काफी कम लोगों के पास है, एंड क्योंकि ये पूरी व्हाइट स्किन है तो यार जब आप इसको चलाते हो तो काफी बढ़िया भी लगता है। बाकी जो कॉस्ट्यूम्स है यार उसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि यार कॉस्ट्यूम जो है हर किसी के उसमें होती है। अब मैंने कहा था कि कुछ चीजें जो है वो आपको नहीं मिलने वाली, उनमें से एक है पॉपुलैरिटी, दूसरे फ्रेंड, तीसरे क्लैन। अब मैं आपको अपने फ्रेंड दिखा देता हूँ, इसमें फिलहाल मेरे कोई फ्रेंड तो है नहीं, अभी सारे के सारे ऑफलाइन हो रखे हैं, लेकिन जो तीन फ्रेंड थे यार वो तीनों के तीनों मेरे क्लैन मेट्स भी हैं अभी, तो आपने देख लिया होगा जितने बंदे मेरे क्लैन में हैं अभी उतने ही मेरे फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, देखो जो आपके स्टैट्स हैं वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, और जो आपकी रैंक है वो भी आपको वापस नहीं मिलने वाली, ना ही पॉपुलैरिटी। इसलिए जो है यहाँ पे इंडियन बेस्ड पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं रैंक 11 पे चल रहा हूँ, एक टाइम पे शायद मैं जो है नंबर 2 पे चल रहा था आई थिंक जब मैंने देखा। और ऐसा ये फिलहाल जो है ये इंडियन बेस्ड जितने भी बंदे आपको देखेंगे ये सारे के सारे जो है बेस्ड इंडिया हैं, तो भाई यहाँ पे जो है अभी 11 नंबर पे हूँ मैं फिलहाल। ये जो रैंक आप देख रहे हो ना ये आई थिंक पुरानी वाली रैंक है, ठीक है, जिन लोगों ने अपनी ग्लोबल आईडीज में खेल रखा है ये उनकी रैंक है। अब क्योंकि मैंने खेला था नहीं तो इसलिए मेरी कोई भी रैंक नहीं है, एक मैच मैंने खेला है वो भी आज सुबह अपने एंड्रॉइड फोन पे, काफी लैग कर रहा था भाई, चल ही नहीं रहा था। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई कितनी मेहनत से जो टाइटल कमाए उनका क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ मेरे कोई भी टाइटल को कुछ नहीं हुआ है। आप इवन मेरा फ्रेम देख सकते हो, मेरा फ्रेम मेरे को वापस मिल गया है, मेरी जो आईडी नंबर था जैसा था वैसा ही है 5397002332। एंड ये मेरे को जो है काफी याद भी हो गया था, क्योंकि यार ये जो लास्ट वाले तीन नंबर है ना इसके 002332, तो ये एकदम काफी एकदम कह सकते हो मैंने इसको जो है रट लिया था काफी अच्छे से। और बात रही टाइटल्स की, तो भाई यहाँ पे आप टाइटल्स देख सकते हो, ये सारे के सारे टाइटल्स जो मेरे ग्लोबल वाली आईडी में थे इसमें भी अभी भी हैं, तो ये तो आपको वापस मिल जाएंगे। और वैसे जो जो भी आपने कमाया है यानी कि जो आपके फ्रेम्स हैं वो भी आपको सारे के सारे मिलेंगे। हाँ, कुछ जो स्पेसिफिक पबजी मोबाइल वाले फ्रेम्स हैं वो शायद आपको ना मिले क्योंकि ये BGMI है, तो बाकी नॉर्मल फ्रेम्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे इसमें। अब बात करें रॉयल पास की, तो इसको लेके मैं काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि यार मेरे को लग रहा था कि एक नया रॉयल पास आएगा, इंडिया का इंडियन बेस्ड रॉयल पास आएगा, आई थिंक न्यू स्किन्स आएंगी, लेकिन अभी तक अर्ली एक्सेस में जो मुझे देखने को मिला है वो है भाई सेम रॉयल पास सीजन 19 है। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई सीजन 1 आएगा, आई डोंट थिंक सो कि सीजन 1 आएगा। हाँ, नंबर उसका सीजन 1 हो सकता है, बट हाँ जो ग्लोबल वर्जन में सीजन 19 चल रहा है वही शायद यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन हाँ अर्ली एक्सेस में जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो तो आया नहीं है, वो जब लॉन्च होगा तब की बात है। और बात की जाए, एक और चीज़ लोग बोल रहे थे कि भाई इसमें जो स्किन्स हैं यानी कि यहाँ पे जो आप जिस जो खरीदारी करोगे ये भी इंडियन बेस्ड होने वाला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है नॉर्मल, जैसा कि ग्लोबल में आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें हो सकता है कि आगे जाके जो है जब इसका रियल वर्जन लॉन्च हो तो यहाँ पे जो है न्यू शॉप लाई जाए हमारे लिए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि कोरियन वर्जन में भी सेम चीज़ है, चाइनीज़ वर्जन में भी सेम है, और देखा जाए तो भाई वियतनाम, हर एक वर्जन जो भी अलग अलग है उसमें कुछ ना कुछ उनके देश के लिए कुछ शॉप या कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, हो सकता है इसमें भी आगे जाके वैसी चीज़ हो। और लास्ट चीज़, एक चीज़ जो मैंने नोट करी है, आप यहाँ पे UC ऐड करना चाहते हो तो भाई इंडिया के लिए पता नहीं क्यों, लेकिन यार जो UC है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी कर दी गई है। देखो जो रॉयल पास आपको पहले 800 का मिलता था वो अब जो इन्होंने 900 का कर दिया है, और वैसे इन्हें हर एक उसमें जो है थोड़ा थोड़ा महंगा करके जो है काफ़ी महंगी कर दी है UC। आपको अगर मैं कहूँ तो भाई यहाँ पे जो है इंडिया में ही शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगी UC मिलती है, तो इनको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था यार, मतलब इतनी फैन फॉलोइंग इंडिया में है तो इंडिया के लिए जो है, क्योंकि इतना यहाँ पे लोग स्पेंड भी करते हैं, तो थोड़ा सा यार एटलीस्ट थोड़ी चीप रखनी चाहिए थी UC। खैर, जब आगे जाके इसका जो प्रॉपर वर्जन है वो लॉन्च होगा तब की बात अलग है। और बात रही क्लैन में ऐड करने की, तो फिलहाल यार क्लैन में सारे के सारे बंदे यूट्यूबर हैं, या जो यूट्यूबर हैं वही क्लैन के अंदर हैं, आगे जाके देखते अगर हम पब्लिक के लिए इसको ओपन करेंगे, वैसे यार तब की तो तब देखी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, ये थी भाई एक अनबॉक्सिंग, वो भी मेरे हाथों मेरे खुद के अकाउंट की, तो होप यार आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, और कुछ मैंने आपके जो है जो सवालों के जवाब भी दिए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जोड़ के वहाँ पे जो है मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की। और जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और बाकी मैं मिलता हूँ आप किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।